जी अब बताएं। अच्छा स्टार्ट पे हैं, कौन सा रन नहीं हो रहा? ये लाइन नंबर 17 पे हैं। ठीक है ये रन करें। ठीक है नेक्स्ट रन करें। ठीक है 1 मिनट रुके। कह रहे जी एरर इन स्कैटर प्लॉट, कुड नॉट फाइंड द फंक्शन स्कैटर्ड 3D। तो यहाँ पे आप एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 3D वाला प्लॉट ना, आप इसको एरर को कॉपी करें वो ऊपर तक जहाँ पे ऊपर लिखा है 3D PCA विजुअलाइजेशन येलो, हाँ यहाँ तक ये कॉपी कर लें, इसको चैट पे ले आए। चैट GPT ओपन करें, आपकी जस्ट आर की स्क्रीन शो हो रही है। पहले आपकी आर की स्क्रीन शो हो रही है, चैट GPT शो नहीं हो रहा, आपने सिर्फ आर की स्क्रीन शेयर की हुई है। जी सर, मैं देखती हूँ। हाँ इसको क्लोज करें और अगेन जो पहला ऑप्शन आता है ना आपके पास स्क्रीन शेयर का, वो किया करें। आप आर किस आप स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेते हैं ना आर पे या किसी और पे, तो जो पहली वाली स्क्रीन होती है जहाँ पर नीचे लिखा होगा स्क्रीन, उसको शेयर किया करें। ओके सर। इसको पहले क्लोज करें फिर आपके पास ऑप्शन शो होगा। अब इसको पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सेंड करें मैसेज प्लॉटली। ठीक है ये प्लॉटली पैकेज का फंक्शन, तो इसको कॉपी करें बल्कि आ जाएं आर पे आ जाएं, यहाँ पे लिखें पैकेज में प्लॉटली स्क्रीन नंबर 4 पे, स्क्रीन नंबर 4 पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल में लिखें, इंस्टॉल में इसको छोड़ दें, ये आपके पास नहीं है यहाँ पे इंस्टॉल में है प्लॉटली। ये नीचे आ रहा है, ठीक है इंस्टॉल करें इसको। ओके आप प्लॉटली को जो है ना आप लाइब्रेरी कर लें, 1 मिनट वेट कीजिएगा, ये भी इंस्टॉल हो रहे हैं कुछ, जब तक आप वहाँ पे लिख लें ये 3D स्कैटर प्लॉट 3D की जगह पे प्लॉटली लिख लें। इसको रन करें। ओके अब कोड रन करें, वो लास्ट वाला जो एरर दे रहा था। ठीक है अगेन रन करें, स्टिल एरर है। अगेन रन करें। चैट GPT पे आए, उसने क्या स्क्रिप्ट जनरेट करके दी है? ये नीचे वाला लास्ट वाला देखें, लास्ट वाला नीचे है, नीचे ये नहीं है, नीचे एक और कोड जनरेट हुआ है, बिल्कुल इसके एंड पे जाएं। हाँ ये वाली लाइन कॉपी करें, क्रिएट 3D स्कैटर प्लॉट, यहाँ से सारा पैरा कॉपी कर लें।
ठीक है, पेस्ट करें यहाँ पे। सर इसको रिमूव कर दूं पहले वाले को? नहीं, इसको भी रहने दें, पेस्ट करें यहाँ पे। अब रन करें इसको। हाँ ये थोड़ा सा वेट करें, प्लॉटली जो है ना ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये क्रिएट हो रहा है, वेट करेंगे। अगेन रन करें। ये कह रहा है NAS इंट्रोड्यूस बाई करेक्शन, ये इसको कॉपी करें वार्निंग को। ये आपके डाटा में इशू दे रहा है, इसको कॉपी करें, सारा वार्निंग के साथ कॉपी करें ना वार्निंग। बल्कि ये ऊपर वाला कोड वाला भी सारा कर लें, प्लॉटली आपने रन किया सारा, यानी उसको पता चले कि आपने ये रन किया और ये एरर आया। ठीक है, कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको। ठीक है, अब ये कोड सारा कॉपी करें। लाइन नंबर 50 पे इसको पेस्ट कर दें। पहले लाइन 51 को रन करें, 51 और 52। ठीक है, ओके। इसका थोड़ा वेट कर लें, एम भी जो है ये डॉट शो कर दे, अगर ना शो करे तो फिर आपने इसको कम्प्लीटली बताना है कि प्लॉटली के थ्रू, बल्कि जो आपके पास पहला स्क्रिप्ट रन हुआ है ना उसको आपने कंप्लीट रन करना है, उसमें से आपने प्लॉट नहीं करना। थोड़ा सा इसका वेट कर लें, तब तक मैं आपको जो है ना वो असाइनमेंट बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसकी तरफ आते हैं। ओके सर। अच्छा, अभी काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट, ये मैंने ना एक टास्क लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने कल आपको शायद थोड़ा सा क्लियर किया होगा कि वाइड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म में क्या डिफरेंस है। ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था, इसके आई थिंक मैंने आपको टेबल दिखाया था वाइड फॉर्म का और लॉन्ग फॉर्म का। ओके okay. अच्छा, आज का आपका जो टास्क है ना, एक तो आपने परफॉर्म करना है, यानी पे इससे पहले जो हमने प्लॉट ड्रा किए थे ना, अगर आप बेसिक प्लॉट देखें, जो बेसिक प्लॉट हमने बनाए थे जीजी प्लॉट टू को यूज़ करके, वो हमने एक वेरिएबल्स के दरमियान बनाए थे, हमने पैटर वेट्स या सैपल वेट्स के दरमियान ना, हम चाह रहे हैं कि हम मल्टीपल वेरिएबल के दरमियान बनाएं। मोस्टली तो हमारे पास जो डाटा होता है वो मल्टीपल वेरिएबल के लिए होता है, जैसे ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये आपके साथ मैं शेयर भी कर सकता हूँ। ये वाला प्लॉट जो है, अब ये मल्टीपल वेरिएबल के लिए, ठीक है। इससे पहले हमने जो प्लॉट ड्रा किया सिंपल प्रैक्टिस के लिए, जब हमने राइटिंग और रीडिंग की प्रैक्टिस की, तो वो जस्ट एक वेरिएबल के लिए था। लेकिन जब हमारे पास जो रियल डाटा सेट होता है उस पर हम जो प्लॉट ड्रा करते हैं वो मल्टीपल वेरिएबल के लिए होता है। तो जब आपने मल्टीपल वेरिएबल के लिए प्लॉट ड्रा करना है, ये बार ग्राफ वगैरह, लाइन ग्राफ वगैरह, तो फिर आपने क्या करना है,
आपने इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना ताकि आपका जो है वो प्लॉट इजीली क्रिएट हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, फाइकस को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर बार प्लॉट बनाना है, ठीक है। पहला टास्क आपका क्या है, बार प्लॉट फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। दूसरा टास्क क्या है आपका, आपने कोरिलेशन प्लॉट बनाना है जिसके एक हाफ पर अपर हाफ पे क्या हो, कलर हो या सर्कल हो और लोअर हाफ पे नंबर्स हों, वैल्यूज हों, ठीक है। और तीसरा टास्क क्या है आपका, आपने कॉर्ड डायग्राम बनानी है। हाँ कॉर्ड डायग्राम बहुत आसान है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पांचवा टास्क है, आपने डेंडोग्राम क्रिएट करना है। फिर नेक्स्ट है पीसीए क्रिएट करना है, पीसीए बाई प्लॉट। उसके बाद आपने हीट मैप ये कल भी क्रिएट किया था, ये आपने दोबारा क्रिएट करना है हीट मैप। और उसके बाद 3D प्लॉट, 3D प्लॉट में आप कोई भी प्लॉट बना सकते हैं, बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं, आप जो है वो बार प्लॉट बना सकते हैं, ठीक है। आपने जस्ट बताएं कि मैं 3D प्लॉट मैंने बनाना है, तो आपको 3D के लिए जो है वो स्क्रिप्ट मिल जाएगा। मसलन मैं एक आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइकस के डाटा के ऊपर मैं 3D प्लॉट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, बल्कि फाइकस फाइकस के डाटा के ऊपर, ठीक है। तो आपने इसका पहला स्टेप करना है एसटीआर, ये स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। एसटीआर करने के बाद आपने इस डाटे को कॉपी करना है एसटीआर को, और उसको आपने पेस्ट कर देना है चैट जीपीटी पे। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देनी है कि मैंने जो है ना ये 3D प्लॉट क्रिएट करना है इस डाटे के ऊपर, और वो आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। फिर उसको ट्राई करें, इसको रीड करें। जो इम्पोर्टेंट बात है ना इसमें, आपने कोड को रीड लाजमी करना है साथ, ठीक है। क्योंकि अभी अभी तक हमने जो रीडिंग सीखी है ना वो 30% है, बाकी रीडिंग जब आप रियल डाटे पे वर्क करेंगे ना तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी अगर आप सीख लेंगे कि रीडिंग कैसे करनी है तो फिर वो आपके लिए इशू नहीं होगा। मसलन कोई स्क्रिप्ट आ जाता है ना आपके पास नया, जैसे अभी मैं आपको ये स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, ये स्क्रिप्ट फॉर एग्जाम्पल, ये आपको अभी समझ नहीं आ रही इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्या कहते हैं कि इसी को कॉपी कर लें, इस ये चैट जीपीटी ने आपको जनरेट करके दिया है। अब आपको इसकी समझ नहीं आ रही, ये वाले फंक्शन की समझ नहीं आ रही, ठीक है। बाकी तो समझ आ गई है, क्या है ये फाइकस लिखा हुआ है, सेलेक्ट लिखा हुआ है, ये म्यूटेट है, ये इसकी थोड़ी बहुत समझ आ रही है, यानी कोई आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है परसेंटेज ग्रेटर देन परसेंटेज से कहते हैं पाइप ऑपरेटर, इस फंक्शन का क्या मतलब है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, तो आप इसको कॉपी करें पूरे लाइन को और यहाँ पे इसको चैट जीपीटी पे आए और इसको बोलें जी इसको एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन ईच वर्ड। अब देखें वो बता रहा है जिसमें दो पैकेज यूज हुए, एक डीप लेयर है और एक टाइडर है। ये देखें फाइकस लॉन्ग दिस पार्ट ऑफ द कोड इज असाइनिंग द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन टू अ न्यू वेरिएबल कॉल्ड फाइकस लॉन्ग, यानी हमने ये फाइल का एक नया नाम रख दिया फाइकस। ये देखें पाइप ऑपरेटर, इट इज़ ऑपरेटर इज अ पाइप ऑपरेटर फ्रॉम द मैग्रीटर पैकेज इंक्लूडिंग डीप लेयर। ये डीप लेयर में भी है और
माइग्रेटर में भी है। इट टेक्स द रिजल्ट ऑन इट्स लेफ्ट एंड पास इट एज द फर्स्ट आर्गूमेंट टू द फंक्शन ऑन इट्स राइट। हेयर इट्स टॉकिंग फाइकस डाटा सेट एंड पासिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन। यानी इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह यानी एक के जो रिजल्ट्स आए हैं ना उसको नेक्स्ट एनालिसिस के लिए हमने अप्लाई कर दिया। जिस तरह हमने जब डेंडोग्राम बनाया था ना तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपने मेन वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, मेन वैल्यू पे आपने डिस्टेंस मैट्रिक्स यानी लिंक या डिस्टेंस फाइंड करना है, लिंक या डिस्टेंस के ऊपर आपने जो है वो डेंडोग्राम या क्लस्टर अप्लाई करना है। तो उसके स्टेप हैं। तो ये क्या करता है पाइप ऑपरेटर, इनके फंक्शंस को आपस में जोड़ देता है एक ही फाइल में, एक ही स्क्रिप्ट में। इसने क्या किया, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये देखें, ये फाइकस का जो डाटा है इसको जोड़ा है, यानी फाइकस के जो रिजल्ट्स हैं इसको अप्लाई करेगा सेलेक्ट ये, और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे सिलेक्शन के बाद उसको अप्लाई करना है म्यूटेट में, और म्यूटेट के जो रिजल्ट्स आएंगे उसको पाइवेट लॉन्गर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करना। यानी इसके रिजल्ट्स को ये यूज़ करेगा, इसके रिजल्ट्स को ये नेक्स्ट स्टेप यूज़ करेगा, और इसके स्टेप को ये यूज़ करेगा, बजाय इसके कि हम 4 या 5 स्टेप अलग अलग रन करें, इन्होंने पाइप ऑपरेटर से इसको जोड़ दी। ओके, तो ये भी आपके टास्क हैं और ये आपने कंप्लीट करने हैं, ये तकरीबन 5-6 टास्क हैं। तो ये आज इंशाल्लाह आप इसको कंप्लीट करें, और कल इंशाल्लाह हम आएंगे डेटा की तरफ के, डेटा आपने कैसे अरेंज करना है, फिर उसके बाद बल्कि कल हम आएंगे चैट जीपीटी प्लस वेबसाइट। यानी आप अगर ये देखते हैं कि जिस तरह हमने डेंडोग्राम पे आए थे विजुअलाइजेशन पे, आप यहाँ पे लिखते हैं विजुअलाइजेशन, आप कहते हैं जी मुझे ना ये वाला प्लॉट अच्छा लग रहा है, ये वाला ठीक है, मैं इस तरह का प्लॉट, या ये वाला प्लॉट अच्छा लग रहा है तो मैंने इस तरह का प्लॉट क्रिएट करना है, या ये वाला प्लॉट अच्छा लग रहा है, जो भी प्लॉट आपको यहाँ से अच्छा लग रहा है ना उसको आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। बल्कि ये कल मैं आपको चीज़ें सारी जो है ना डिटेल से बताऊँगा, अभी इस पर टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं। आप ऐसा करें कि आप जो है ना असाइनमेंट या टास्क जो है वो आपका स्टार्ट कर लें, और अगर इस दौरान किसी को कोई इश्यूज़ आ रहे हैं वो डिस्कस करना चाहे तो वो डिस्कस कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो अभी पूछ लें। ये किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन है, टास्क क्लियर है? ओके, चलें फिर आप जो है वो टास्क कंप्लीट कर लें, और इस दौरान अगर आप लोगों के पास कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, मैं अब जो है वो वीडियो क्लोज़ करने लगा हूँ। आप लोग व्हाट्सएप पे जो है वो अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं, या कन्फ्यूजन हो रही है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का, अल्लाह हाफिज़। और ये सॉरी टास्क जो है ना ये आपने आज ही कंप्लीट करना है, जस्ट आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा आपका, लेकिन इसको लाजमी कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि कल हमने कुछ नए वे से चैट जीपीटी का यूज़ सीखना है। ये हमने जस्ट जनरल चीज़ें सीखी हैं, अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे और स्पेसिफिक टास्क के ऊपर आएंगे, कि ये तो हमें अपनी मर्ज़ी से जनरेट करके दे रहे हैं ना, तो स्पेसिफिक टास्क जो है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम कैसे इसकी हेल्प लेंगे। तो ये आज इन तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि कल हमें चैट जीपीटी के यूज़ करने में, इसको अंडरस्टैंड करने में कोई इशू ना हो।